अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मरी जीपीओ के नज़दीक होटल अलसना के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम और होटल का नाम। मेरा नाम अमार वासी है और ये अलसना होटल है, मरी माल रोड पे है, जीपीओ चौक पे। कितने रूम है होटल के? 35-40 रूम्स हैं। बताएं कि रेट्स वगैरह क्या होते हैं आपके? रेट्स मरी के तो मतलब पूरे मरी का रेट वगैरह कोई फिक्स रेट नहीं होते, अप्स एंड डाउन होते हैं। मिनिमम मैक्सिमम मतलब 1500-2000 से लेके 3-4-5000 तक चला जाता है मैक्सिमम हद करके, तो यही रेट्स होते हैं। वो भी सीजनल बेसिस पे होता है, आउट ऑफ सीजन रेट बहुत कम होते हैं और सीजन में रेट जो होता है ना वो हमारा रेट होता है कुछ, मतलब पूरे उम्र का ही होता है जो होता है। रूम्स की पोजीशन है कि सिंगल बेड, डबल बेड और एक्स्ट्रा भी लार्ज भी हैं? सिंगल डबल होते हैं, 3-4 बेड का रूम होता है, बाकी अगर फैमिली हो तो एक अदद मैट्रेस वगैरह उसमें हम इंक्लूड कर देते होते हैं। अगर एक्स्ट्रा मतलब बच्चे वगैरह होते हैं समटाइम किसी फैमिली के साथ, तो इस तरह उनका ये हिसाब होता है। चैनल के तवसत से अगर आपसे कोई रब्ता करता है तो उसके लिए कोई आप खसूसी रियायत करेंगे? जी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इस रूम के बारे में बताएं जरा नाज़रीन को। ये स्वीट रूम है, ठीक है, इसमें 2 बेडरूम्स आते हैं पार्टीशन के साथ और 2 वॉशरूम वगैरह आते हैं, इस तरह इसमें होते हैं। स्वीट रूम से क्या मतलब? मतलब 2 रूम्स होते हैं, स्वीट होते हैं ना, मतलब 2 रूम्स होते हैं जिसमें कपल बेड लगे होते हैं, ठीक है, 2 वॉशरूम्स होते हैं, लेकिन दरमियान में पार्टीशन आ जाती है जिसमें 2 फैमिलीज आती हैं, ठीक है, तो उनको एक ही रूम चाहिए होता है पार्टीशन के साथ, ये वो वैसे रूम होते हैं। तो इसका क्या रेंट होता है? इसका रेंट 3-4 हज़ार 5 हज़ार मैक्सिमम, मैं आपको नीचे से ऊपर तक बता रहा हूँ, मतलब जहाँ पे डबल बेड का जो रेट होता है उससे डबल कर लें। अच्छा, लॉकडाउन जो खुलेगा जब, तो हुकूमत की तरफ से जो SOPs जारी होंगी तो उन पे अमल दरामद आप करा लेंगे? जी वो ऑब्वियसली, आप अगर किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो SOPs उनके लिए नहीं है, हमारे लिए हैं। सबसे पहले तो हमारी मरी के लिए हैं, मेरे लिए हैं, मतलब अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो SOPs पे अमल करूँगा तो मैं बचूँगा। वबा तो फैली हुई है तो इस पे तो अमल किए बगैर तो हो ही नहीं सकेगा काम। जो भी SOPs आती हैं इसको तो इंशाल्लाह हम पूरे तरीके से अमल करेंगे, दूसरों को भी उसी पर वो करेंगे, अदरवाइज ऐसे कोई होता नहीं। मंथली बेसिस पर कोई लेना चाहे तो उसके लिए क्या खसूसी डिस्काउंट होगी? यहाँ पे एक तो ये है कि मंथली बेसिस पे इतने रूम मिलते नहीं हैं, उसके लिए साइड पे अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, मैक्सिमम 2-4 दिन की बुकिंग वगैरह का होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर समहाउ कुछ ऐसा हो कि देना पड़ जाए तो उसमें डिस्काउंट होता है। बहुत शुक्रिया।